like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. आज इन्हें टाइगर को दे रखा फुल कंपटीशन। भाई साहब भाई मैनू माफ कर दो। अरे खुशी तो देख लो। अब वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली इस मौसम में भी हम निकल रहे हैं अपनी ट्रिप पे। हाँ जी, सही सुना आपने। बहुत दिन से भाई प्लानिंग चल रही थी, कभी ये तो कभी वो, कभी यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, कभी वहाँ हो रही है। तो फाइनली हम जा रहे हैं प्लेन्स में। बता देता हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर, हाँ जी अमृतसर। तो बहुत टाइम से ये मेरी हिट लिस्ट पे था। आप ये सोचो कि मतलब जब मोटो व्लॉगिंग शुरू नहीं भी करी थी ना, तब मतलब जब होश संभाला था, तब से ये चीज़ दिल में कहीं ना कहीं एक वो थी कि यार कहीं ना जाऊं मगर वाघा बॉर्डर ज़रूर जाना है। वो जो फीलिंग होती है ना वहाँ पे जाके, देखा था टीवी पे और यूट्यूब पे भी काफ़ी देखा, काफ़ी वीडियोस भी देखे। वो जो फीलिंग है ना उसको खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था और फाइनली अब ये मौका आया है और दस्तूर भी आया कि अब हम उसको कर सकें। तो ट्रिप पर जा रहे हैं हम लोग दो, मैं और रोहित सर ऑन टाइगर 1200 और मैं अपनी V-Strom 650 पे। तो आज का थोड़ा सा लगेज दिखा देता हूँ आपको। तो लगेज सेटअप आज हमारा बहुत ज़्यादा चेंज है। फर्स्ट टाइम आई एम कैरिंग पैनियर्स एंड अ टॉप बॉक्स। हमेशा बोलता हूँ बाइक को लाइट रखना चाहिए, मैंने इनको भी लाइट ही रखा है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं डाला है, बट आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दिस एज वेल। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, कैसे हैं सब। तो चलो जी निकल चुके हैं और करते करते 6 बज गए। प्लान तो था 4 के आसपास निकलने का, मगर वो प्लान ही क्या जो सक्सेसफुल हो जाए। चलो कोई बात नहीं यार, चिल मारते हैं, आराम से निकलते हैं, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। आज जैसे पूरा लगेज सेटअप वगैरह कर रखा है ना, पैनियर और टॉप बॉक्स वगैरह सारा। तो जहाँ से भी अभी निकला हूँ घर के पास से, और वो लोग मतलब उनके लिए तो ज़्यादा एकदम नई सी चीज़ है ना, वो सोच रहे हैं भाई पता नहीं कहाँ जा रहा है ये, कौन सा सामान बांटने जा रहा है। इस ट्रिप के बाद देखते हैं कि फुल लगेज सेटअप के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आपके साथ भी सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुआ या फिर थोड़ा सा इसमें मेरे को दिक्कतें हुई, जो भी होगा आपको सब बता देंगे। फ़िलहाल मौसम का मज़ा लेते हुए चलते हैं। हम हैं ग्रेटर नोएडा की अल्फा रोड पर और भाई साहब यहाँ बाइक चलाने का जो मज़ा आता है पूछो मत। ये जा रहा है जी आपका यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये दिल्ली नोएडा। अब हम हैं दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पे और डिसेंट एक स्पीड लेके चलेंगे अभी 90 की, टॉप बॉक्स के साथ मैं आपको ये बता दूं, और मतलब फुल लगेज सेटअप के साथ। मैं तो प्रेफर नहीं करता कि बहुत ज़्यादा स्पीडिंग करी जाए, तो आई थिंक 100-110 तक विल बी सफिशिएंट ऑन द हाईवेज, और बाकी 90-100 तक आप लोग आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बढ़िया हवा लग रही है। जैकेट के और जो पैंट के सारे वेंट्स हैं मैंने खोल रखे हैं, तो अभी तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। और राइनॉक्स का आज बेस लेयर डाला है, वैसे मैं राइडा का बेस लेयर डालता था। पैनियर्स के साथ आपको ये भी देख के चलना है कि बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक में अगर आप हैं कहीं तो बहुत ज़्यादा कट वगैरह नहीं मारना है, वैसे मैं पहले भी नहीं मारता हूँ। और अब थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब जो बाइक की हमारी विड्थ हो गई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और एक तरीके से ऑटो का जो साइज़ होता है ना पीछे से वो साइज़ हो चुका है बाइक का, तो काफ़ी देख के चलना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, ये भी एक नया एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। चलो जी हम आ गए अपने मीटिंग पॉइंट पे। ये खड़े हमारे टाइगर सर। ओके, बादल है बहुत ज़्यादा घना आगे। अरे भाई साहब, और रात की उतरी नहीं अब तक। कैसे हैं सर? बढ़िया, चले। हाँ, हेलमेट पेयर करते हैं। तो करनाल बॉर्डर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं सिंगू बॉर्डर की तरफ। और मौसम पीछे तो ऐसा लग रहा था जहाँ पे हम लोग रोहित सर और मैं अपने इंटरकॉम्स पेयर करने के लिए रुके थे, वहाँ पे ऐसा लग रहा था भाई साहब अब बारिश आई। और देखो 2-3 बूंदें हेलमेट पर आ गई। तो वेदर थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, मगर वी आर ऑल रेडी फॉर द रेन, सारी चीज़ें हैं। मगर भाई साहब आज मेरे से एक ब्लंडर हो गया, मैंने लैपटॉप तो रख दिया और लैपटॉप का चार्जर रह गया। वो ये डेटा ट्रांसफ़र ही कर पाऊँगा, एडिट तो नहीं कर पाऊँगा वीडियो। चलो आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं। मूर्थल रह गया यहाँ से 16 किलोमीटर, पानीपत 54। और इसी के साथ सूरज देवता ने हम पे करी है थोड़ी सी मेहरबानी, अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। और इतनी धूप रहे तो मज़ा आ जाएगा, इससे ज़्यादा ना हो ना इससे कम हो, क्योंकि इससे कम हो गई तो पड़ेगी बारिश। बारिश में चलाने में तो यार कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर थोड़ी जो अनईजीनेस होती है ना वो हो जाती है, वो किचकिच ना वो पसंद नहीं आती बस। बाकी बारिश में चलाने में कुछ नहीं है। बाकी एक जो मेजर ड्रॉबैक मोटो ब्लॉगिंग का रहता है बारिश में कि गोप्रो हमको अंदर रखना पड़ता है। भूख तो अभी हमें लगी नहीं है, चाय हमने एक पी ली, चाय हमको पेट्रोल पंप पे मिल गई। और हुआ ये कि जहाँ से हमने फ्यूल अप कराया वो एक्चुअली रोहित सर के फ्रेंड का पेट्रोल पम्प है, और रैली के दिनों से रोहित सर के फ्रेंड हैं वो। तो वहाँ पे जैसे ही हम रुके रोहित सर को पहचान रहे थे वो सब, तो चाय ऑफ़र हो गई। चलो बढ़िया सी एक चाय पी और थोड़ी सी ताज़गी आ गई, क्योंकि सुबह से बिना कुछ खाए पिए चला था घर से। और अभी देखते हैं आगे चल के कुछ खाते हैं। वैसे मैंने इस बार प्रोटीन बार भी रख रखी है, थोड़ा सा सोच रखा है कि थोड़ा सा इस बार हेल्थ को भी ध्यान रखेंगे। अगर ऐसी ट्रिप पर मैं यशवंत को मिस करता हूँ, क्योंकि वो खाने में मेरा साथ देता है, मैं तो खैर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। भाई देखो, खाने का और घूमने का असली मज़ा आता है सर्दियों में। सर्दियों में ट्रिप करो और खाने पीने में खूब मज़ा आता है। गर्मी में थोड़ा यार रह जाता है, बॉडी थकी रहती है, तो इतना ज़्यादा आप सॉलिड वगैरह नहीं ले सकते, लिक्विड पे ज़्यादा मतलब आपका वो रहता है कि हाँ लिक्विड डाइट ज़्यादा ले ली जाए। सर्दियों में तो दबा के। करनाल हम लोग पहुँच चुके हैं और यार क्या बताऊँ मैं, जो मज़ा आ रहा है ना आज राइड का, इस V-Strom पे राइड करने का अपना अलग ही मज़ा है। मतलब मैं आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ 95-100 तक भी। अभी थोड़ी सी स्पीड कम करिए क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ, मगर पता भी नहीं लग रहा है, इतनी इजी जा रही है ना बाइक, इतनी इजी। ना पॉट होल्स का पता लग रहा है ना किसी चीज़ का। और सबसे अच्छी बात इस बाइक की जो सीटिंग है, सीटिंग इतनी कंफर्टेबल है कि मेरे को अभी तक ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब बाइक पे बैठा तक नहीं हूँ। तभी कहते हैं यार V-Strom मतलब वर्ल्ड वाइड तभी इतनी ज़्यादा फेमस है कंफर्ट के मामले में और अफोर्डेबिलिटी के मामले में। आप दिन में 800-1000 किलोमीटर भी करके आप उतरेंगे ना V-Strom से, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ चलाया नहीं है आज बिल्कुल भी। ये मेरे साथ पिछली राइड पे भी हुआ था, हालांकि पिछली राइड हमारी छोटी थी, मगर 400-450 किलोमीटर बाद जब भी मैं बाइक से उतरा तो ऐसा लगा कि यार बिल्कुल भी मतलब बाइक चलाई नहीं आज, बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं हुआ था। हाँ, एक चीज़ मेरे को करनी है अभी, पिछली बार भी पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था जो ओरछा वाला वीडियो था कि इसमें हैंडल बार राइजर्स डालने हैं। तो इस ट्रिप के बाद पहला काम वही होगा, मतलब नेक्स्ट मॉड जो होगा हमारी V-Strom में वो यही होगा कि इसमें राइजर्स डलेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ होना पड़ रहा है, तो बहुत हल्का सा। ये पोजीशन मेरे को ये वाली चाहिए, अभी मेरा हैंडल यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो आई थिंक जब हैंडल राइजर्स डाल लूँगा, हैंडल बार राइजर्स, उससे काम अपना हो जाएगा। पिछली बार वैसे मैं कभी इस रूट पर जाता हूँ ना, इससे पहले मयूर वाला आता है उसके रुकता हूँ, मगर पिछली 2 बार से मैं रुका नहीं हूँ उसके, क्योंकि ना धूप सीधी पड़ती है वहाँ पर। ये आ गया, ये झिलमिल है या झिलमिल है? झिलमिल में तो जे नहीं होता, ये तो झिलमिल है। चलो छाया में लगाते हैं आगे। अरे अरे आ रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहा? थैंक यू भाई तेरा बहुत बहुत, छाया में मोटरसाइकिल लगवाने के लिए। ठीक है जी, ओके। मैं कह रहा हूँ ना कि बारिश से अच्छी धूप है, धूप चाहे थोड़ी सी तेज़ हो जाए सह लेंगे, मगर बारिश में जो वो किचकिच हो जाती है ना भाई, उससे बचना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो MP राइड पे हमारे साथ हुआ था ना, वो हमें ही पता है, पूरे दिन भीगे हम लोग। मगर फिर से कहूँगा पूरी तैयारी है, तो अगर बारिश होती है तो वी आर ऑल रेडी। रेन गियर्स अपने ऊपर रखे हैं। रोहित सर आज अपना जो रेन वाला अपर है वो भूले हैं, और मैं भूल गया अपने लैपटॉप का चार्जर, तो दोनों कुछ ना कुछ भूले। अपना सेटअप आज कुछ अलग है, तो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है और अभी तक तो हैबिचुअल हो चुका हूँ भाई, मज़ा आ रहा है चलाने में। सबसे मेन बात, जैसे हम यहाँ पे खाने के लिए रुके ना, तो टेंशन नहीं थी कि बाइक को बार बार देखना पड़ रहा है, सामान लॉक के अंदर। चलो जी, चलते हैं झिलमिल को बाय बाय बोल के। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ओके चलो जी, वाइजर डाउन। बढ़िया, एकदम लाइट सा फील हो रहा है। चंडीगढ़ अंबाला कैथल, चलो जी आ जाओ। तो यहाँ से हम सीधा निकलते हैं हाईवे पे। हाजी ने टाइगर को दे रखा फुल कंपटीशन। भाई साहब आवाज कैंट है पाजी है रोहित सर, आवाज कैंट है गीस। अरे भाई साहब माफ कर दो पाजी, मैनू माफ कर दो पाजी, मैनू माफ कर दो। बाय बाय। चलो जी, आप कहाँ रह गए? अच्छा आगे हो, मैं ही पीछे रह गया। अब भाई साहब क्या रोड है, मज़ा आ गया यहाँ पे तो चला के। चलो जी एक जरा लेमन पी लें। हाँ जी बंटा कितने था? दो ला दो, दो। आज बंटा पिया कम से कम 1.5-2 साल बाद। गर्मी पड़ रही है भाई दवा के एकदम, मगर इसने काम कर दिया सही। यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं। लुधियाना कितना होगा भैया अभी? 70 किलोमीटर। लुधियाना अभी यहाँ से 70 किलोमीटर और बचा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, फुल चांस लग रहे हैं क्योंकि गर्मी इस हिसाब से हो गई कि बारिश होके रहेगी लगता जी। 1:25 और अब जाके पहुँचे हम दुराहा। यहाँ से 164 किलोमीटर्स रह गया है आपका अमृतसर। और अब सोचा हल्की सी नींद आ रही तो एक ज़रा कॉफ़ी हो जाए, तो कोल्ड कॉफ़ी हमने यहाँ पे ऑर्डर करी। ये है आपका दुराहा में जो कैफ़े कॉफ़ी डे पड़ता है। और इतनी गर्मी हो चुकी है ना, क्या बताऊँ। सुबह मतलब मैं बोल रहा था ना आते हुए कि यार गर्मी हो जाए, बारिश से तो गर्मी होती है, तो ऊपर वाले ने कहा ले बेटा तेरी सुन ली। और इतनी भयंकर गर्मी कर रखी है, मतलब चलो ये पहना है ना आज वेपर प्रो तो बचे हुए हैं, मतलब अगर टी शर्ट वगैरह डाली होती ना तो गया था काम से, वो तो मतलब सूखनी नहीं थी। इसका ऐसा है थोड़ी देर आप कहीं पे रुक रहे हो आराम से, तो फैन के नीचे बैठ जाओ या कहीं पे पेड़ है उसके नीचे खड़े हो जाओ, तो ये 10 से 15 मिनट में अपने आप सूख जाती है। तो अभी थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी। थोड़ा सा मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बनवाया, और उसके बाद 164 किलोमीटर यहाँ से चलेंगे हम लोग टापो टाप। ये आ गई हमारी कोल्ड कॉफ़ी, और रोहित सर के लिए चिकन बर्गर। चिकन बर्गर है इनका फेवरेट। जल्दी से इसको पीते हैं और निकलते हैं, क्योंकि बाहर का वेदर हो चुका है बहुत अच्छा, और वेदर अच्छा है तो भाई मौका मिस नहीं करना चाहिए राइड का। अरे खुशी तो देख लो। पिछले वीडियो में लोग कह रहे थे कि रोहित सर हंसते नहीं हैं, तो देख लो भाई आज हंसते भी हैं। तो भाई वो लुधियाना क्रॉस कर रहे हैं हम, और मौसम यहाँ पे बड़ा ही खुश मिजाज सा हो गया है। कभी भी पटपट करके बूंदें पड़ सकती हैं, बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी पड़ी कि अभी पड़ी, मगर चलो धूप से बच गए। अलॉय लगी हुई गाड़ियाँ बहुत मिलेगी यहाँ पे आपको, ऑलमोस्ट हर गाड़ी में अलॉय दिखेंगे। चाहे आप मारुति 800 ले लो, चाहे आप ऑल्टो ले लो, चाहे कोई सी गाड़ी ले लो, अलॉय ज़रूर होंगे। यहाँ लुधियाना में लोगों को अलॉयज़ का बहुत शौक है, ये मैंने देखा है। और गाड़ी एकदम ऐसे टिप टॉप बना के रखते हैं ना, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, शौकिया लोग रहते हैं भाई यहाँ पे, गाड़ियों का बहुत शौक है। वेलकम टू जालंधर। जालंधर सिटी इधर है, हम लोग कर रहे हैं जालंधर को बाईपास। ठीक है जी, तो जालंधर भी देख लो। चकते फटे नपदे किली, सुबह जालंधर शाम नू दिल्ली। पंजाब में आप घुसो और ग्रीनरी आपको ऐसी देखने को मिलेगी ना कि पूछो मत, मज़ा ही आ गया। और इधर पीछे अभी नदी बह रही थी, तो वहाँ से जब हमने क्रॉस करा ना, तो ऐसी ठंडी हवा का झोंका लगा कि सारी पूरे दिन की थकान उतर गई। 5-6 मिनट तक हम उस पर चलते रहे, मतलब जो रोड है, और साथ में पानी बह रहा था, तो मज़ा ही आ गया वहाँ से निकल के। तो अमृतसर हम लोग पहुँच चुके हैं, और मूवी देखी होगी आप सबने, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें ऋतिक रोशन लैपटॉप कैरी करता है ना, तो दोस्त कहते हैं यार क्या करेगा काम करके, तो लाइव एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख सकता है। रोहित सर दिन का 5वां इंटरव्यू ले रहे हैं ट्रिप पे। इसे कहते हैं भाई डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क। गर्मी हो कुछ मर्जी हो, काम काम है भाई। रोहित सर का इंटरव्यू हुआ ख़त्म, और ये दिन का 5वां इंटरव्यू लिया था सर ने। और अब हम चल रहे हैं होटल की तरफ। फाइनली गोल्डन टेम्पल को ये वाली रोड जाती है, इधर हम जा रहे हैं सीधा जहाँ पे हमारा होटल बुक है। गोल्डन टेम्पल हम लोग जाएंगे कल सुबह, या हो सकता है रात को भी जा सकते हैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होके, क्योंकि दिन भर के बहुत थके हैं। किलोमीटर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं, अराउंड 550 किलोमीटर्स वी हैव डन टुडे। मगर जो ह्यूमिडिटी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मारती है, आपको पता ही है इस वेदर में। तो चलते हैं, चल के फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम है। तो फाइनली नहा धो के एकदम हम लोग तैयार हो चुके हैं, मतलब तैयार क्या मतलब नहा धो के फ्रेश होके एकदम, अभी जाने की तो हालत नहीं है। तो प्रोग्राम हमने करा कल सुबह का, कल सुबह चलेंगे यहाँ से हम लोग गोल्डन टेम्पल, और उसके बाद 5 बजे जो आपका वाघा बॉर्डर की जो परेड होती है वो तो यार स्पेशल है, उसी के लिए मेन आए हैं, तो वो देखने शाम को जाएंगे। बाकी दिन में देखते हैं, जो अगर मौसम सही रहा तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अमृतसर को भी। मैं पहली बार अमृतसर आया हूँ, मैं कभी अमृतसर क्रॉस भी नहीं करा है, लुधियाना जलंधर वगैरह तो क्रॉस करके गया हूँ, मगर अमृतसर पहली बार आया हूँ। रोहित सर 2-3 बार अमृतसर आ चुके हैं। तो हमने अभी ये रूम लिया है, ये है रेजेंटा में, और डिसेंट हमको पड़ गया, मतलब ये आफ्टर डिस्काउंट वगैरह कुल मिला के MMT से बुक करा था मैंने 3100 पर नाइट। सो आई थिंक दैट इज़ फेयर इनफ। रूम अच्छा है, इट्स 4 स्टार प्रॉपर्टी। मगर दिन थोड़ा सा लंबा हो गया, नहीं दिन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट एनीवेज इट वाज वर्थ इट, मज़ा आया राइड में। मगर एक बार देखो, सुबह हम बोल रहे थे कि यार बारिश ना हो, तो ऊपर वाले ने सुन लिया, आज बारिश करी नहीं, मतलब भाई एक बूंद बारिश नहीं हुई है। बारिश अगर होती तो फिर वी वुड हैव बीन इन ट्रबल, लुकिंग फॉर शेल्टर। हाँ मतलब एक बारी को जब हमने पहला फ्यूल अप कराया था तब लग रहा था कि हो जाएगी, और 2-3 बार ऐसा लगा कि यार अब हुई, मगर फिर भी बच गए। चलो अच्छा है जो भी है। तो सुबह चलते हैं गोल्डन टेम्पल, आपको भी दिखाते हैं, आप लोग करिए आराम। और अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यार करना मत भूलना। देखिए आज हम पहुँचे हैं नोएडा, दिल्ली से अमृतसर, प्लेन सी है, मतलब ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, फिर भी कोशिश करिए कि आप लोगों को जितना एंटरटेन कर सकूं। ठीक है जी, बाकी कल मिलते हैं सुबह फ्रेश एकदम। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।